इस कहानी में हमें बताया गया है कि आज से 50 साल पहले दो जुड़वा भाई थे जिनके नाम स्मेडिटन और नेमेसिस था। उन दोनों में एक दूसरे से अलग किस्म की पावर्स थी। उनकी पावर्स का जब दूसरे लोगों को पता चला तो उन्हें लगा कि ये उनके लिए डेंजरस हैं। तो लोगों ने उनके घर को जला दिया। आग से उन दोनों भाइयों को उनकी पावर्स की वजह से कुछ नहीं हुआ, मगर उस आग की वजह से उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई क्योंकि वो आम इंसान थे। स्मेडिटन को लगता था कि उसकी वजह से उसके पेरेंट्स मर गए। ये सोचकर वो लोगों की हेल्प करने लग गया और अच्छा इंसान बन गया। इसके बरक्स नेमेसिस बिल्कुल भी ऐसा ना सोचता था। वो अपने पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार लोगों को समझता था। इस वजह से उसने बुराई फैलाना शुरू कर दी। मौका पाकर वो किसी न किसी इंसान को मार देता था। स्मेडिटन उसके बुरे कामों में रुकावट बनता था, तो नेमेसिस ने उसे मारने के लिए एक हैमर बनाया। ये वाहद हैमर था जिससे इन दोनों भाइयों को मारा जा सकता था। एक दिन नेमेसिस ने पावर प्लांट को आग लगा दी, तो स्मेडिटन ने वहाँ के लोगों को बचाना चाहा। वहाँ दोनों भाइयों की बहुत लड़ाई हुई। फिर वहाँ आग लगने की वजह से लोगों का कहना था कि उसी आग में जलकर दोनों भाइयों की डेथ हो गई। के बाद मूवी में प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। हमें एक लड़का जिसका नाम सैम था और उसकी उम्र 13 साल थी, वो स्मेडिटन का बहुत बड़ा फैन था दिखाया जाता है। उसको लगता था कि वो अभी भी जिंदा है। फिर उसकी मॉम दिखाई जाती है जो कि अपनी जॉब पर जाने लगी थी और सैम को काम समझा रही थी और सैम को कचरा बाहर फेंकने का कहती है। जब सैम बाहर आता है तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो उसे गार्बेज कैन के पास नेमेसिस का निशान बना हुआ मिला। वो उसे बिल्कुल भी पसंद ना करता था, तो वो अपनी पेंट स्प्रे से उस जगह स्मेडिटन का लोगो बना देता है। जब सैम का ओल्ड नेबर आता है तो सैम गार्बेज कैन के पीछे छुप जाता है। ओल्ड मैन का कचरे में से अगर कुछ मिलता तो उसे रिपेयर करके सेल कर देता था। अगले दिन जब सैम स्कूल से वापस घर आता है तो वो एक नोटिस को देखता है। घर का रेंट ना देने की वजह से उसके घर को लॉक कर दिया गया था, तो वो बाहर आकर बैठ जाता है। फिर वो उस ओल्ड मैन को देखता है। उसके पास एक रेडियो था। सैम उससे रेडियो के बारे में पूछता है, तो वो कहता है कि मैं पुरानी चीजों को रिपेयर करके सेल कर देता हूँ। तो वो सैम से उस वॉच के बारे में पूछता है जो कि सैम के हाथ में थी, तो सैम उसे जवाब नहीं देता। वो ओल्ड मैन वहाँ से चला जाता है। वहाँ सैम का फ्रेंड आकर सैम से कहता है कि पैसे कमाने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो दोनों एक पुराने से घर में जाते हैं जहाँ से वो चीजें चोरी करते हैं। फिर उसका फ्रेंड कहता है कि मैं एक गैंग को जानता हूँ जो बड़ी बड़ी चोरियाँ करते हैं। वो गैंग के लीडर के पास जाते हैं, तो सैम उससे कहता है कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। वहाँ उस गैंग का एक आदमी आकर सैम से कहता है कि हमारे साथ चलो, हम एक स्टोर को लूटने वाले हैं, तुम्हें बस उसका ध्यान भटकाना है। सैम मान जाता है। वो अपने सर पर केचप लगाकर चोट लगने का नाटक करता है और स्टोर के अंदर आ जाता है। उस शॉप का ओनर सैम की हेल्प करता है, उसके साथ ही सामान चोरी करके वापस अपने ठिकाने पर आ जाते हैं। जब वो चोरी किए गए बॉक्सेस को ओपन करते हैं तो उसमें से चिप्स के पैकेट्स निकलते हैं। लीडर के गुस्से से बचने के लिए वो सारा इल्जाम सैम पर डाल देते हैं। सैम उनके साथ लड़ता है और कहता है कि मैंने अपना काम ठीक से किया। इतने में लीडर भी वहां आ जाता है। सैम की उन लड़कों के साथ लड़ाई होने लग जाती है। लीडर आकर सैम से उसकी एज के बारे में पूछता है और सैम से कहता है कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हुआ और इनाम के तौर पर उसे $200 दे देता है। सैम घर वापस आता है तो उसकी मोम हाउस ओनर से कह रही थी कि वो रेंट दे देगी, उनको अंदर जाने दो। तो सैम वो पैसे हाउस ओनर को दे देता है, तो वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं। इसकी मॉम कहती है कि ये सारे पैसे कहाँ से आए, वो तो ठीक से जवाब नहीं देता। जब सैम बाहर आता है तो लीडर के वो साथी जिसके साथ सैम लड़ा था उसे फॉलो करने लग जाते हैं, तो वो सैम को पकड़कर मारते हैं। वहाँ ओल्ड मैन भी आ जाता है, वो उनको मारने से रोकता है। जब वो नहीं मानते तो वो खुद उनको मारना शुरू कर देता है। जब लीडर का साथी चाकू से ओल्ड मैन पर अटैक करता है तो वो खुद ही इंजर्ड हो जाता है। वो सब डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तभी सैम को ओल्ड मैन पर शक हो गया था कि ये ओल्ड मैन कोई और नहीं बल्कि स्मेडिटन ही है, तो वो उस पर नजर रखना शुरू कर देता है। एक दिन बायनोक्यूलर से सैम उसकी जली हुई कमर को देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि वो स्मेडिटन ही है। दूसरी तरफ चोरों का लीडर पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर पुलिस स्टेशन जाता है और बॉम्ब ब्लास्ट करने के बाद उस रूम में जाता है जहाँ सारे सबूत थे। वो वहाँ से नेमेसिस का मास्क और उसका हैमर ले लेता है। लीडर नेमेसिस का बहुत बड़ा फैन था। नेमेसिस की तरह वो भी बुरा आदमी था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ओल्ड मैन सैम से कहता है कि मुझ पर नजर रखना बंद करो, क्योंकि वो जान गया था कि सैम उस पर नजर रख रहा है। सैम उस ओल्ड मैन के घर जाता है। वहाँ उसे स्मेडिटन के बारे में जो न्यूज थी उसका एल्बम मिलता है। सैम उस एल्बम को अपने घर ले जाता है। जब ओल्ड मैन घर आकर देखता है कि एल्बम गायब है, तो वो सैम के घर जाता है और उसकी मॉम को सब कुछ बता देता है।
जाता है। सैम उसे कहता है कि मैं ये एल्बम वापस नहीं करूंगा क्योंकि मैं स्मेरिटन का बहुत बड़ा फैन हूँ। अगले दिन सैम उस ओल्ड मैन से दोबारा मिलता है और कहता है कि आप ही स्मेरिटन हो। लीडर का साथी जिसे ओल्ड मैन ने मारा था वो गाड़ी लाता है और उसे मारकर वहाँ से चला जाता है। उससे उसकी बोन्स क्रैक हो जाती है और वो बेहोश होकर रोड पर गिर जाता है। सैम ये देखकर रोने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो ठीक होकर चलना शुरू कर देता है। सैम खुश होता है और कहता है कि मैं जानता था कि आप ही मेरे हीरो यानी कि स्मेरिटन हो। वो घर जाकर ठंडे पानी से नहाता और आइसक्रीम खाता है। सैम कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैं जितना ठंड के करीब रहूंगा उतना ही ज्यादा पावरफुल होऊंगा। अगर थोड़ी सी हीट भी मेरी बॉडी में रही तो वो मेरे हार्ट को तबाह कर देगी और मैं मर जाऊंगा। उधर चोरों का लीडर नेमेसिस का मास्क पहनकर हर चीज तबाह कर रहा था। वो सबसे कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ और मैं नेमेसिस हूँ। हर तरफ के लोग डर जाते हैं, ये बात न्यूज में भी चल रही थी। जब ओल्ड मैन को पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा करता है। वहाँ सैम आता है और कहता है कि मैं आपकी तरह का बनना चाहता हूँ, मुझे भी लड़ना सिखाएं। जब वो सैम को प्रैक्टिस करवाता है तो ओल्ड मैन को पंच करने पर सैम को चोट लग जाती है। उसे अपने घर लाकर उसकी बैंडेज करता है। सैम उससे नेमेसिस के बारे में पूछता है। वो गुस्से होकर सैम को अपने घर से बाहर निकाल देता है। रोड पर चोरों का लीडर आता है और सैम को गाड़ी में बिठाकर अपने ठिकाने पर ले जाता है। लीडर एक पुलिस वाले को शूट करता है तो सैम डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में उसे अपना फ्रेंड नजर आता है जिसे लीडर के साथ ही मार रहे थे। वो अपने फ्रेंड को तो बचा लेता है, उसका फ्रेंड वहाँ से भाग जाता है तो वो सैम को पकड़ कर ले जाते हैं। उसको मारकर एक कार्ट में डालकर ला रहे थे कि ओल्ड मैन को देखकर वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और जाकर अपने लीडर को बताते हैं कि जिस ओल्ड मैन को हमने मारा था वो अभी तक जिंदा है। लीडर अपनी एक्सीडेंट वाली टूटी हुई गाड़ी को देखकर कहता है कि मुझे वो ओल्ड मैन हर हाल में जिंदा चाहिए। ओल्ड मैन सैम को हॉस्पिटल ले जाता है और उसका ट्रीटमेंट करवाता है। जब वो वापिस आ रहा होता है तो लीडर के साथ ही उसको पकड़ लेते हैं तो वो ब्रेवली उनसे लड़ता है। एक आदमी बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है तो ओल्ड मैन एक बच्ची को बचाकर गाड़ी को पलटकर उसके पीछे छुप जाता है। हर कोई वहाँ खड़ा उसकी वीडियो बनाता है, ये वीडियो वायरल हो जाती है। जब ओल्ड मैन उस वीडियो को देखता है तो उस सिटी को छोड़ने का फैसला करता है। उस बात का चोरों के लीडर को भी पता चल गया था। वो अपनी एक टीम तैयार करके उस पर अटैक करने के लिए उसके घर आता है। उसके घर आते ही वो शूट करना शुरू कर देते हैं और उसका घर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जल्द ही उन्हें अंदाजा हो जाता है कि वो ओल्ड मैन पहले घर छोड़कर जा चुका था। लीडर विंडो में से सैम और उसकी मोम को देखता है और अपने साथियों से कहता है कि सैम को पकड़ कर लाओ, वो ओल्ड मैन के बारे में जरूर जानता होगा। जब वो सैम और उसकी मोम को पकड़ने जाते हैं तो उसकी मोम को छोड़कर सैम को अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ ओल्ड मैन स्टेशन पर ट्रेन का वेट कर रहा था। उसके हाथ में सैम की वॉच थी। वो सोचता है कि उसे सैम को वापस कर दे। जब वो सैम के घर जाता है तो उसकी मोम रोते हुए उसको सब कुछ बता देती है तो वो समझ जाता है कि सैम को कौन लेकर गया। ओल्ड मैन एक बड़े से ट्रक में ऑयल के टैंक को फुल करता है और सैम को बचाने के लिए निकल पड़ता है। चोरों का लीडर पावर प्लांट को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्लानिंग कर रहा था कि जब सारे शहर के लाइट्स ऑफ हो जाएंगी तो वो लोग चोरी कर सकेंगे। ओल्ड मैन अपना ट्रक वहां ले आता है। सैम उसे देखकर बहुत खुश होता है। वो सैम को पकड़ कर कहीं और ले जाते हैं और नेमेसिस का हैमर लाता है और कहता है कि जो काम नेमेसिस ना कर सका वो अब मैं करके दिखाऊंगा। वो जान चुका था कि ये ओल्ड मैन ही स्मेरिटन है। तो लीडर कहता है कि अब मैं तुम्हारे ही बाइक के हैमर से तुम्हारी जान ले लूंगा। ओल्ड मैन कहता है कि सैम को जाने। लीडर उस हैमर से ओल्ड मैन को बहुत मारता है और कहता है कि स्मेरिटन मैं अब तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो ओल्ड मैन हैमर को पकड़कर उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं स्मेरिटन हूँ? नहीं, मैं तो नेमेसिस हूँ। यहाँ हमें पता चलता है कि जब ये दोनों भाई लड़ रहे थे तो उस हादसे में स्मेरिटन की डेथ हो गई थी और नेमेसिस जिंदा था और ये नेमेसिस ही था। अपने भाई की स्मेरिटन की मौत के बाद वो ये ठान लेता है कि अब वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए ही अपनी जिंदगी गुजारेगा। अब यहाँ उन चोरों ने नेमेसिस को दोबारा से जिंदा कर दिया था। वो अब सबको बहुत बुरी तरह से मारता है और साथ ही अपने ऑयल टैंकर को ब्लास्ट कर देता है। उसके बाद जब वो सैम के पास जाता है तो देखता है कि उन्होंने सैम को बांधा हुआ था। लीडर अपने साथियों को कॉल करके कहता है कि सारे शहर की लाइट ऑफ कर दो। लाइट ऑफ होते ही वो लोग सारे बैंक्स को लूटने लगते हैं और लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। जब नेमेसिस सैम को बचाने जाता है हर तरफ आग लग जाती है। चोरों का लीडर नेमेसिस पर अटैक करता है। आग की गर्मी की वजह से नेमेसिस की हालत खराब होने लगती है।
उसकी हार्ट बीट हीट की वजह से बहुत तेज हो जाती है। लीडर उसकी उस हालत का फायदा उठाकर उसे बहुत मारता है कि तभी सैम पीछे से आकर उस पर अटैक करता है, मगर लीडर सैम को भी पकड़ लेता है। जब नेमेसिस ये देखता है तो वो लीडर को बहुत मारता है और उसे आग में गिरा देता है तो वो मर जाता है। हीट की वजह से नेमेसिस की हालत बहुत खराब हो रही थी। ये देखकर सैम वाटर पाइप्स को तोड़ देता है और ठंडा पानी नेमेसिस पर गिरता है तो उसकी हालत ठीक होना शुरू हो जाती है। वो सैम को उठाकर दूसरी बिल्डिंग में जंप कर देता है तो सैम उसे कहता है कि आप हमेशा मेरे लिए स्मेरिटन ही रहोगे। वो कहता है कि हाँ, मैं स्मेरिटन ही बनकर रहूंगा। ये बात पुलिस भी वहाँ आ जाती है और सैम से पूछती है कि क्या हुआ था, तो वो कहता है कि मुझे स्मेरिटन ने बचाया है। उसके बाद नेमेसिस शहर के लोगों की जान बचाने के लिए निकल जाता है क्योंकि अब वो स्मेरिटन की तरह अच्छा इंसान बन गया था। इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है।